उल्टा लटक जा पेड़ में तब बाहर बाहर अध्ययन लहर की तरफ से और एक बार एप्लीकेशन बहुत जगह करते रहते हैं सर। आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि देवदार है तो इसमें तैयारी दूसरी तरीके की होती है। इधर दिखाओ जरा गड्ढे में लेयर लेयर बाय लेयर डालना होता है, फिर उसको दबाना होता है और ये चारों तरफ बड़ा गड्ढा इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इसमें आपको खाद और फिर बाद में रूट्स फैलने का एक अच्छा वो मिल जाता है। उसको ऐसे करके एक लेवल पर आने के बाद में जब यहाँ यहाँ तक आ जाएगा फिर उसके बाद प्लांट लगाएंगे। ये जो देवदार लगा हुआ है यहाँ पे नर्सरी है, इसको डालेंगे। ये जो फालतू की घास और ये सब है ये निकालनी पड़ेगी और पत्थर देखने होते हैं इसमें। ये मैंने भी सीखा है, एक बड़ा जी है उनकी तरफ दिखाना जरा, बड़ा जी की तरफ, इन्होंने मुझे बताया कि कैसे करना है तो ये सीख कर ही होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो उन्होंने ही बताया कि कैसे करके करना है। अब थोड़ा सा समझ में आ गया बिल्कुल। कहीं भी जाओ सीखने को मिल जाता है और ऐसे मौके देते रहती है अध्ययन लहर, आप लोग भी जुड़ के कर सकते हैं। आज ये है कल को ही चीज़ और चीज़। ये देखिए यहाँ से प्लांट को लगाना कैसे है, ये निकल रही है इसकी रूट्स हैं, ये बड़ा जी ने निकाला इसको, ये निकल के आ गया। अब इसको अब उस पर लगा दीजिए, सही है। और थोड़ा सा मिट्टी डालनी पड़ेगी इसमें। फोटोग्राफी करना चाह रहा है ये देवदार का जो यहाँ पर लगना है, आप सोच लीजिए कि ये तो थोड़ा बहुत हो रहा है और जब 500 देवदार के पेड़ लग जाएंगे तो उसका क्या होगा। ये इसलिए है, ये जैसा कि डबराल सर ने बताया था इसकी जो स्टेम है यहाँ तक, डबराल सर यहाँ तक और नीचे तक है, और नीचे थोड़ा यहाँ तक आना चाहिए, थोड़ा सा जाएगा अभी ये उसके जड़ में पैर मत मारना, बिल्कुल ये साइड से ही करेंगे ताकि पिंडली ना टूटे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये मिट्टी आ रही है, खाद मिट्टी की लेयर बाय लेयर चढ़ती जाएगी। फावड़ा फावड़ा देना, एक फावड़ा देना जरा, यूं फावड़ा दो तो इसके साइड से। अब ये क्या होगा कि ये टूटेगा नहीं और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के करना ना बड़ा ताकि ये सीधा रहे। अब इसी मिट्टी को ये जो मिक्स है खाद के साथ में इसको ले लो, लेकिन डालने से पहले ये देख लेना कि इसमें कुछ है तो नहीं, यानी कि जो एक्स्ट्रा अर्थ हम दिख रहे हैं कूड़ा पत्थर वो सब निकालना पड़ता है। इसको पहले ही आप थोड़ा सा साफ कर लो और साफ करने के बाद में इसको डाल के चारों तरफ बिल्कुल बराबर होने देना ताकि उसका लेवल बराबर आए। अब ये जाने के बाद में फिर इसको दबाना है ना साइड से, बिल्कुल ये आ गया है। तो एक बार फिर से अध्ययन लहर के साथ जसगर रिजॉर्ट में 500 देवदार के प्लांटेशन के साथ में हम लोग हैं आपके लिए, तो आप लोग भी जुड़िए और इस तरह से बड़ा लोग जब इस तरह के लोग मिल जाते हैं उनसे सीखते रहिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। थैंक यू दीपा।